अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। मैं आज मौजूद हूँ ज़िला लय के गांव मौसम शाह में। आज हम बात करने वाले हैं मौसम गर्मा के एक बेहतरीन और मशहूर पल के बारे में। आज मैं मौजूद हूँ आम के एक बाग में। मैं आज आम आपको आम के मतलब बताऊँगा। इस दरख्त के भी पल भी जो है ना नाज़रीन माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े और ख़ूबसूरत आम लगे हुए इस दरख्त पे। ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह इस दरख्त के आम बहुत ख़ूबसूरत हैं। तो जी दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो है ना मैं आम के एक बाग में मौजूद हूँ। यहाँ पर देखें माशाल्लाह तकरीबन 1 किलो का एक आम है तकरीबन, और माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे आम लगे हुए हैं इस दरख्त पे। यहाँ आप देख रहे हैं तकरीबन 1 केजी का एक आम है माशाल्लाह। वैसे तो आम जायके के लिहाज से बहुत ज़्यादातर लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन मौसम गर्मा के मुताबिक आम बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन फिर भी लोग इसकी लज़त की वजह से इसको पसंद करते हैं। और जो आम पक जाता है ख़ुद ब खुद नीचे गिर जाता है। ये देखिए जनाब, आम बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है। और इसी तरह हम आपको और आमों के बताएंगे। ये देखिए जनाब, आम तैयार कर ख़ुद नीचे गिर गया है। देखें यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे और ख़ूबसूरत आम लगे हुए हैं इस दरख्त पर भी। इसी तरह हम आपको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। ये आम का एक पुराना दरख्त, लेकिन इस पर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे आम लगे हुए हैं। ये देखें हज़रात, जी नाज़रीन ये एक दूसरा दरख्त है। ये देखें, ये ज़िला लया का इलाका है और माशाल्लाह काफ़ी प्यारे आम हैं। ये बहुत बड़ा बाग है। ये देखें माशाल्लाह तकरीबन 1/2 किलो का एक जो है ना आम है। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारे आम लगे हुए हैं, और यहाँ पर तो नज़ारा ही कुछ और है। ये देखें माशाल्लाह 3 आम एक जगह पर लगे हुए हैं, एक ही शाख पर माशाल्लाह कितने आम लगे हुए हैं। और अक्सर आम जो है ना तकरीबन जुड़वा जुड़वा हैं। ये देखें, ये आम देखें माशाल्लाह तकरीबन 1/2 किलो का ये आम है। ये देखें जनाब, ये ज़िला लिया का इलाका है, मौसन शाह का गाँव है। ये सब आम के दरख्त लगे हुए हैं जो आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा बाग है। मौसम गर्मा की बेहतरीन ग़िज़ा है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आम के बागात हैं।
ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत प्यारे और अच्छे अच्छे आम लगे हुए हैं यहाँ पे। तकरीबन यहाँ पे सब आम जोड़ा जोड़ा मुझे तो नज़र आ रहा है। अब मैं बिल्कुल दरख्त के नीचे आ गया हूँ, ये देखें। ये देखें, अभी हम इधर से बाहर निकलेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मोहसन शाह गांव पहुंच चुके हैं, जो ज़िला लिया का एक गांव है, दरिया सिंध के करीब है। और रास्ते में जो है ना हम जा रहे थे कि अचानक हमारी नज़र एक बाग पर पड़ी, और ये बाग जो है ना आम के दरख्त लगे हुए हैं यहाँ। अभी हम आपको आम के दरख्त के नज़दीक लेके जाते हैं कि ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आम लगे हुए हैं। ये आम का दरख्त, माशाल्लाह बहुत अच्छे आम लगे हुए हैं इस दरख्त पे, तकरीबन आधे किलो एक किलो के करीब करीब आम का एक दाना है। ये देखें, आम पकाने की वजह से ज़मीन पर भी गिर चुका है काम। ये तो सिर्फ एक दरख्त था, लेकिन इसके अलावा काफ़ी बड़ा बाग है माशाल्लाह। हम आपको बाग के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। यह बाग का एक दूसरा पौधा, यहाँ पर भी माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे आम लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा फल हैं इस दरख्त के। माशाल्लाह इस दरख्त पे देखें नाजरीन, बहुत प्यारे प्यारे आम लगे हुए हैं, और अक्सर जो आम है वो जुड़वा जुड़वा लगे हुए हैं। ये देखें, जैसे ये यहाँ पे जोड़ा है, और यहाँ पे देखें ये भी एक जोड़ा है, और यहाँ पे देखें ये भी माशाल्लाह एक जोड़ा है।
बहुत प्यारे प्यारे आम लगे हुए हैं ये देखें माशाल्लाह, तकरीबन हाफ के जी आधा किलो है तकरीबन एक आम में। इसे देखें माशाल्लाह काफ़ी प्यारे खूबसूरत आम है।